तो ये देखिए जो मीरा है कितना अच्छा और दानेदार बना हुआ है। तो माशाल्लाह ये जो रेसिपी है आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए कितनी झटपट तो रेसिपी तैयार हो जाती है। और जब कुछ सब्जी समझ में नहीं आती है तो सोचते हैं क्या ऐसा बनाया जाए जो सबको पसंद आए। तो आप ये मीरा बनाइए तो माशाल्लाह सबको पसंद आएगा घर में, और खाने में तो आप टेस्ट जब आप खाएंगे जब आपको टेस्ट का पता भी चलेगा कि ये कितना अच्छा बना है। और हमने आपको बताया ना नींबू और प्याज से इसको खाएं। और रोटी हमारी जो है अभी थोड़ी देर में आएंगी इसलिए हम आपको चख के नहीं बता पाएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और देखिए बेसन का मीरा है जो वो किस तरीके। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ, अच्छी हूँ आप सबकी दुआओं से। तो हमने सोचा आज सुबह सुबह से वीडियो बनाई जाए और आप सबके साथ शेयर की जाए। तो आज रात में सिलेंडर खत्म हो गया था और सिलेंडर जहाँ से आता है वो बोल रहे थे 11 बजे तक आएगा, तो उसका इंतजार कर लेते हैं। तो और भी हमारे पास ऑप्शन है जैसे कि चूल्हा है, इंडक्शन है और हीटर है, मगर हम हीटर पे नहीं बनाएंगे क्योंकि हीटर पे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है और हम नहीं बना पाते हैं। तो आज जो हम बना रहे हैं वो कुछ हटके बनाएंगे, यानी आप लोग तो कई लोग बनाते भी हैं कई लोग नहीं भी बनाते हैं, मगर हम आज जो बना रहे हैं उसका नाम है मीरा। यानी बेसन की बहुत सी रेसिपियां बनती हैं और उनमें से एक रेसिपी आती है मीरा की। तो हम मीरा बनाएंगे आज और आप सबके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से मीरा बनाते हैं। तो हाँ एक चीज और आप लोगों को दिखाना है कि जो हमारा स्टैंड है यानी ट्राइपॉड है मोबाइल लगाने का, वो काफी दिनों से खराब है और हम बहुत परेशान हो रहे थे। तो हमने ऑनलाइन मंगाया है मगर अभी नहीं आया, 28 तारीख का उसमें आया था मगर वो नहीं आया अभी तक, हो सकता है 2-4 दिन और लेट हो जाए। तो अभी हम जैसे तैसे जुगाड़ बना के एकदम से अपनी वीडियो तैयार कर लेते हैं, जैसे भी हमसे बनता है वैसे अपनी वीडियो तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम आपको ट्राइपॉड भी दिखाएंगे कि हम किस तरीके से इतना जुगाड़ बनाई है। तो एकदम देसी तरीके से जुगाड़ बनाई है ट्राइपॉड की, क्योंकि इसके बिना कुछ काम होता ही नहीं है। और चलिए हम पहले ट्राइपॉड दिखा देते हैं, इसके बाद में देखते हैं कि हम मीरा किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो में चलते हैं और बने रहिए हमारी वीडियो में। और हमारी वीडियो को जो नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारे वीडियो में पहले से हैं वो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें प्यारे प्यारे कमेंट करें, क्योंकि हमें आप सबके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। और आप ही लोगों की वजह से हम इतने खुश रहते हैं, वरना पता चला कि हम बीमार बने रहते, और हम बीमार होना नहीं चाहते, हम बस इसी तरह से खुश होना चाहते हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए आप लोग, ये है सेल्फी स्टैंड जो कि इसमें हमने बांधा हुआ है ये देख लीजिए आप, और ये हमारा ट्राइपॉड है। और ये देखिए हम उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिक अपने आप ये खिंच जाएगा, तो हम इसको उठा भी नहीं पाते। और ये देखिए जैसे तैसे करके हम इसकी जुगाड़ करते हैं कि हमारी जो वीडियो है वो वीडियो हमारी अच्छे से बन जाए। तो ये आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे ये क्या रखा है। तो ये 1 लीटर दूध आता है और ये हमारी फ्रेंड लेती हैं दूध, तो उनका ये रखा हुआ है, वो आती हैं तो ले जाती हैं, तो इसलिए फ्रिज में रख देते हैं बोतल में भर के। और यहाँ पर है जो घर का दूध रखा हुआ है। और हम आज जो है हमने आपको बताया कि आज तो इसका कोई काम नहीं है क्योंकि आज जो है 12 बजे के पहले सिलेंडर नहीं आएगा। तो हम
हमने यहाँ पर कुछ ये रखा हुआ है हमारा इंडक्शन, और हम इंडक्शन पे ही खाना बनाएंगे। रात में भी हमने इंडक्शन पे खाना बनाया था, बस रोटियां बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो आज पता है, आज हम रोटी नहीं बनाएंगे, रोटी हम बताएंगे बाद में कहाँ से आई है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते। तो ये हमने बेसन ले लिया है, और बेसन में अब हम इसमें, माइंड मत करिए, हमें थोड़ी सर्दी है और अभी अच्छी तरह से ठीक नहीं हुई है सर्दी। और ये हमने बेसन में नमक डाल दिया, तो नमक डाल दिया बेसन में, और हम बेसन में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये देखिए, हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, ये पाउडर डाल दिया हमने। और अब हम नमक पहले डाल दिया, फिर मिर्ची पाउडर डाल दिया, और अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। तो हमने इसमें करीब करीब छोटी चम्मच से हमने 3 चम्मच तेल डाल दिया, और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे हाथों से ही। तो ये देखिए मेरा है जो इरम, टीवी चलो करो, तो इरम है जो, उसको तो सुबह सुबह से बस टीवी चला के काम करने में बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसमें, आप देखिए, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से करते जाएंगे, ताकि जो मेरा है उसको हमें हल्का रवीला करना है। इस तरह से करेंगे इसको, और इसमें एकदम से पानी नहीं डालेंगे, आप देखती जाइए, क्योंकि बेसन का कुछ भी बनाओ, बेसन का बहुत अच्छा लगता है, और बस बनाने का अलग अलग तरीका है। और अगर आप इस तरह से मेड़ा बनाएंगे तो माशाल्लाह उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और इसको बिल्कुल धीमी आंच पे ही अपन लोग सेकते हैं, यानी भूंज लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा रवीला है जो हमने बेसन को बना लिया है। और इसी तरह से बेसन का जो मेड़ा है, इसी तरह से इसको बनाते हैं। और चलिए अब इसको भूंज लेते हैं। तो हम सोच रहे हैं भूंजने के पहले मसाला तैयार कर लिया जाए। तो हमने ये प्याज ली है, और प्याज को हम काट के इसका पेस्ट बना लेंगे। प्याज जो है अभी इस समय पे एकदम फ्रेश प्याज नहीं आ रही है, काली काली सी प्याज हो जाती है। तो हमने ये प्याज जो है रख ली है, प्याज है, लहसुन है, तो लहसुन की 8-10 कलियां हैं, और प्याज है जो हम मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। और हम सोच रहे हैं कि इसमें पिसी हुई मिर्च ना डाली जाए, जो खड़ी मिर्च रखी है उसी को पीसा जाए। इसकी जो खड़ी मिर्च की जो सब्जी बनाते हैं वो माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो ये मिर्च जो है जो रखी हुई है, और हम इसमें खड़ी मिर्च पीसेंगे। तो हमने इसमें खड़ी मिर्च ले ली है, और जैसी आप खाएं वैसी आप मिर्च डालें। और जरूरी नहीं है कि इसमें खड़ी मिर्च ही डालें, आप इसमें आप पिसी हुई मिर्च भी डाल सकते हैं। वो तो मुझे एक जो ये मीड़ा है ये चिटपिटा ही अच्छा लगता है। और बघारने के लिए हमने प्याज और हरी मिर्च है जो काट के रख ली है। तो चलिए पहले आप पेस्ट बना लेते हैं। तो ये ले लिया हमने पेस्ट के लिए मिर्ची और प्याज और लहसुन, तो इन सबका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए पेस्ट बन के तैयार है। और चलिए अब मीड़ा की भुंजाई करते हैं। तो चलिए इंडक्शन को चालू कर लेते हैं, और हमने चालू कर दिया है, कढ़ाई को रख दिया है, और अब हम बनाएंगे मीड़ा। तो कढ़ाई है जो वो गर्म हो गई है, और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा तेल। तो तेल है तो आप जो तेल खाते हैं रिफाइंड या सरसों का, हम तो जो भी सब्जियां बनाते हैं हमें सरसों के तेल में ही सब्जी अच्छी लगती है, और हम सरसों के तेल की ही सब्जी बनाते हैं। तो आपने तो देख ही लिया था मेरा कितनी अच्छी तरह से रवीला रवीला हो गया है। और हम ये इसमें डाल देंगे और इसकी भुजाई करेंगे। तो हमें
अच्छे से भूनना है। मेरा जो है बिल्कुल लाल हो जाए एकदम से और अच्छे अच्छे सी इसमें से खुशबू आने लगे। तो चलिए भून लेते हैं और इसको स्लो पे, यानी ये लगा है स्लो है और ये देखिए इंडक्शन को तेज करना है तो यहाँ से तेज हो जाता है, 18 पे हो जाता है। तो अभी शुरू में हम 18 पे करेंगे और बाद में हम इसको 8 पे कर देंगे। तो चलिए इसी तरह से भून लेते हैं। तो ये देखिए मेरा जो है वो भून गया है और इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है। ये देखिए जिस तरह से हमने बताया था कि इसको अच्छे से लाल करना है यानी ब्राउन भूनना है, तो ये भून गया है और अब हम इसको निकाल लेंगे। थोड़ा और 2 मिनट और सेक लेंगे ताकि और थोड़ा सा सिक जाए, क्योंकि मेरे की एक खासियत है बनाने की, जितना अच्छा ये सिक जाता है उतना ही अच्छा खाने में टेस्ट आता है, बिल्कुल कच्चापन नहीं आना चाहिए। तो ये आप देख भी सकते हैं कि देखने में ही समझ में आ रहा है कि हमारा जो मेरा है जो वो भून गया है और अब हम निकाल लेंगे इसको। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से लाल कलर हो गया है इसका यानी ब्राउन, और बहुत ही अच्छी महक आ रही है, एकदम दानेदार हो गया है। ये देखिए अलग से खाना खाने लगती है जैसे ही मेरा भुन जाए। तो चलिए अब इसको साइड में निकाल लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो अब हमने इंडक्शन फिर से चालू कर दिया और अब हम मेरा बनाना शुरू करते हैं। तो हमने मेरा बनाने के लिए इसमें तेल डाल दिया है और अब तेल गर्म होने का इंतजार करते हैं। तो आप देख सकते हैं तेल गर्म हो गया है और हम इसमें प्याज हरी मिर्च वगैरह डाल देंगे और हाँ 2 चीजें और डालेंगे अभी हम इसमें जो है जीरा, जीरे से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और हाँ इसमें हम डालेंगे हींग। तो हींग जो है बिल्कुल ताजी हींग है और वो एकदम गीली थी तो वो जम गई है, निकालने में थोड़ी मशक्कत हो रही है फिर भी हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए हम इसमें हींग डालेंगे, हींग से क्या है बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। आप भी बनाइए तो हींग जरूर डालिए इसमें। हमारी अम्मा बनाती थी यानी हमारी माँ बनाती थी तो हींग और प्याज से ही मेरा को बगान लगाती थी। तो ये हमने हींग भी डाल दी, प्याज भी और हरी मिर्च भी, और इसको अच्छे से सेकेंगे अभी, फिर इसमें मसाला डालेंगे। तो जो हमने पेस्ट बनाया था हम वो डाल देंगे। हमने डाल दिया और इसमें हम डालेंगे साथ में ही हल्दी और नमक, इसमें धनिया है नहीं डलती है यानी सूखी धनिया नहीं डलती है। तो हमने ये टेस्ट के मुताबिक नमक भी डाल दिया और अब हम अच्छे से मसाले को भून लेंगे। मसाले को जो है हम ढक कर ही पका रहे थे क्योंकि ज्यादा उचक ऊपर मसाला ही दिली है। तो अभी हम मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए मसाला जो है अच्छे से भून गया है और अब हम इसमें पानी डाल देंगे। और अभी हमें इसमें मीरा नहीं डालना है, इसमें हम पानी ही डालेंगे और पानी को अच्छे से खौलाएंगे। तो हमने पानी डाल दिया और पानी इस तरह से डालना है कि जो मीरा है वो गाढ़ा भी नहीं हो और पतला भी नहीं हो। तो ये देखिए हमने पानी डाल दिया और अब हम इसको ढक के अच्छे से खोलाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं पानी है जो वो खोला या नहीं। तो ये देख सकते हैं कांच में से है जो दिख रहा है कि पानी अच्छे से खोल रहा है। तो चलिए अब मीरा डाल देते हैं। इसी तरह से अच्छे से पानी को जो है खोला लेना है और मीरा को डाल देंगे। तो हमने मीरा डाल दिया और इसको धीरे धीरे इसी तरह से जब तक कि इसमें अच्छे से
एक खोल ले आएगी, इसको पकाएंगे। डाल के ज्यादा देर नहीं पकाते हैं। और प्लीज आप सब ये मत सोचिए कि हमने ज्यादा लंबी वीडियो बनाई है, प्लीज मेरी वीडियो पूरी देखें। और ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये देखिए मीड़ा है जो बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। और हम इसको इस तरीके से पतला बनाएंगे क्योंकि ये ठंडे होने पर गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हम इसी तरह बनाएंगे। और बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं, यानी हीटर को बंद कर देते हैं। तो इसमें डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती और मजा मीड़ा का खाने का नींबू और प्याज के साथ ही है। हाँ, तो आप लोग सोचेंगे कि हमने तो आपको बताया नहीं, आप लोग सोचेंगे कि हमने आपको बताया नहीं कि गैस है नहीं और इंडक्शन पर रोटी हम कैसे बनाएंगे। तो ज्योति अंटी है इरम की, यानी मेरी फ्रेंड है, यानी हमारी जो फ्रेंड है ज्योति, वो रोटियां ला रही है। वो बोले आप सब्जी बना लीजिए और हम रोटी बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर उसके लिए और अपने परिवार के लिए जो है मीड़ा बना के रख लिया है और रोटियां वो लाएगी। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए मीड़ा है जो बन के तैयार हो गया है, और मीड़ा के साथ में प्याज और नींबू, माशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो प्लीज जो दोस्तों हमारी वीडियो पूरी देखें, और हमारी वीडियो देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, और हाँ हमें सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह जिंदगी बखैर रही। तो फिर कोई नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।